हमारे भारतीय किचन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो जिनसे हम अपनी छोटी मोटी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे ऐसे मसाले होते हैं खाने में काम में आते हैं, उनको हम ऐसी कोई छोटी मोटी शारीरिक समस्या होती है तो उसको नुस्खे के तौर पे हम काम में ले सकते हैं। हमारी दादी नानी के कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो हमारे घर में आज भी चलते हैं। इनमें से सबसे बेस्ट एक मसाला है जो है अजवाइन। इनको हम कई तरीके से घर में काम में लेते हैं, खाने में भी काम में लेते हैं और कोई ऐसी समस्या होती है तो उनमें भी काम में लेते हैं, मसाले के तौर पे भी इनको काम में लेते हैं। अजवाइन के बहुत सारे फायदे हैं, उनको चाहे आप सुबह खाली पेट खा सकते हैं या फिर रात को सोने से पहले खाते हैं तो भी वो आप उतने ही फायदेमंद करती है जितना कि आप सुबह खाली पेट खाते हैं। आज के टॉपिक में हम अजवाइन के बारे में बात करेंगे, यानी कि उनके कितने कितने सारे बेनिफिट हैं, उनके क्या फायदे। हमारे घर में ऐसी चीजें हैं लेकिन उनके फायदों के बारे में हम नहीं जानते और उनका हम उपयोग नहीं करते हैं। हमारी छोटी मोटी समस्याएं होती है तो हम सीधा सप्लीमेंट लेना या फिर डॉक्टर के पास में जाना ज्यादा जरूरी समझते हैं, जबकि इन नुस्खों से भी हमें फायदा हो सकता है। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आप वॉच करें, जो भी फायदे हैं वो पूरे सुने। से ऐसी बहुत सारी बातें हैं, अगर आप पूरा नहीं सुनेंगे तो उनको स्किप कर सकते हैं। चलिए, अजवाइन के क्या फायदे होते हैं। अजवाइन होती है, उनको सुबह सुबह खाली पेट पीने से सबसे बेस्ट जो तरीका है हमारे बड़े बुजुर्गों में कि हमारा पेट दर्द करता है, तो अजवाइन को पीस करके नमक डाल करके उसको ले लो खाली पेट गर्म पानी के साथ में, तो आपके पेट दर्द की समस्या दूर हो जाती है। और इसी अजवाइन को अगर आप ऐसे ही लेते हो तो इसमें आपकी कब्ज संबंधी समस्या भी दूर हो जाती है। किसी का पेट साफ नहीं होता है तो ऐसे सुबह सुबह खाली पेट लेने से आपके कब्ज संबंधी समस्या दूर हो जाती है। ये तो सुबह के लिए, और ऐसे अगर आप रात को पानी में बॉईल करके पानी छान करके उसका पानी पीते हैं तो इससे आपका सुबह पेट अच्छे से साफ होगा और ना ही किसी प्रकार की कोई एसिडिटी होगी। नेक्स्ट नंबर, कमर दर्द होता है किसी के तो भुनी हुई अजवाइन को गर्म पानी के साथ में लेने से कमर दर्द संबंधी समस्या होती है उसमें राहत मिलती है। रात को अगर अपन सोते समय अजवाइन का सेवन करते हैं तो अपनी अनिद्रा संबंधी समस्या होती है तो उसमें भी राहत मिलती है। और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है हमारा आजकल की समस्या है वो अपने को टाइम नहीं मिलता है, अपन योगा एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं लेकिन हमारा वेट बढ़ता जा रहा है, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फायदा है वो यही है कि आप अजवाइन के पानी को सुबह सुबह या फिर आप रात में बॉईल करके उसके पानी को अगर आप पीते हैं तो आपके वेट लॉस में सबसे ज्यादा फायदा है। हम अपन ने देखा होगी हमारे घर में किसी की डिलीवरी होती है तो घर की बड़ी बुजुर्ग औरत होती है उनको 1 महीने तक अजवाइन के पानी पीने की सलाह देती है, जिससे उनका जो पेट होता है या अनावश्यक जो तोंद आती है नहीं आएगी और पेट फूला फूला सा या एसिडिटी संबंधी समस्या होती है या कब्ज संबंधी समस्या होती है, खाना पीना ऐसा रहता है कि वेट भी अनावश्यक बढ़ता है तो उसमें भी हमें राहत मिलती है, यानी कि ऐसी किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। रात को सोने से पहले गर्म पानी में 1 चम्मच अजवाइन डालकर या पानी को बॉयल करके पीते हैं तो उससे आपके जोड़ों में दर्द संबंधी समस्या भी दूर होती है। यानी कि अजवाइन ऐसी है जिसमें कई प्रकार की समस्याएं दूर होती, वेट लॉस होता है, कब्ज संबंधी समस्याएं दूर होती है, अनिद्रा की समस्या दूर होती है, जोड़ों के दर्द संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। ये एक ऐसा नुस्खा है जो आपके हजारों बीमारियों में कारगर है। और अगर जिसके एसिडिटी ज्यादा बनती है, खाना बनता है, खाना सब्जी में थोड़ा सा डालेंगे तो उसकी खुशबू भी अच्छी रहेगी और आपके जो ही एसिडिटी बनती है उसकी समस्या भी दूर होगी। जैसे 30 मिनट पहले अगर अपन अजवाइन के पानी को पीते हैं तो हमारी डायरिया संबंधी समस्या होती है उसमें राहत मिलती है, यानी कि हमें उल्टी दस्त ऐसी कोई समस्या होती है तो उसमें हमें राहत मिलती है। तो कुछ ऐसी चीजें हमारे घर के अंदर होती हैं जिनको हम बहुत हल्के में लेते हैं या जिनका सेवन करना हम जरूरी नहीं समझते हैं, तो इनका अगर छोटी मोटी कोई आपकी समस्या होती है तो इन सब चीजों का आप सेवन जरूर करें, जिससे आपकी जो कब्ज गैस एसिडिटी संबंधी जो समस्या होती है वो दूर होगी और अन्य भी किसी प्रकार की पेट संबंधी समस्याएं होती हैं तो उनमें राहत मिलती है। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और इससे संबंधित कोई आपकी क्वेरीज है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में ऐसी किसी नई रेमेडी के साथ में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।